हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो कैंडिडेट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आज हम करेंगे मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ में आप अपने लेवल को बढ़ाने और बेसिक से करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से चाहे किसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% श्योर है। तो आइए इसे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं चीजों को बिल्कुल बेसिक से उठाता हूँ और धीरे धीरे हम उनको लेवल तक लेकर जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है। जिन्होंने कर रखा है कोई बात नहीं, वो भी इसको बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कुछ इसका बेसिक सीखेंगे, उसके बाद साथ साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे और जो भी आएगा साथ साथ में इसके मेथड है वो सीखते जाएंगे और शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो जैसे हमें बोला जाए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो जब भी दोनों का इकट्ठा वर्क निकालना हो, दोनों का इकट्ठा सॉरी टाइम निकालना हो, तो अपने पास क्या फॉर्मूला बनता है, ए गुना बी बटा ए प्लस बी, ए गुना बी बटा ए प्लस बी। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 10 गुना 12 बटा 10 प्लस 12 कितना होगा, 22। 10 प्लस 12 कितना होगा, 22। तो जो भी कटिंग होगा उसको हम काट देते हैं। 11 के टेबल पर 11 दुना 22 6, तो ये कितना बचा, 60 बटा 11। इसको आगे फ्रैक्शन में लिख देते हैं, सही होंगे। 11 5 55 कितना बचा, 5। तो 5 सही, 5 बटा 11 दिन अपना क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ में उसके उसके मेथड भी सीखते जाएंगे। तो इसी के साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कर लेना और बिल्कुल रिलैक्स होकर करना। ये हमारा इसका पहला पार्ट है, आगे सेकंड पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट भी आएगा। हम बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, हर एक चीज कवर करेंगे टाइम एंड वर्क टॉपिक की। ओके, तो इसी के साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसके शॉर्टकट भी देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी किसी काम को 18 दिनों में करता है और क्यू उस काम को 36 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या था, ए गुना बी बटा ए प्लस बी। मतलब ए गुना बी जरूरी नहीं है इधर ए बी लिखा हो, राम श्याम भी हो सकता है, सीता गीता हो सकता है, कोई नियम हो सकता है। बस जो पहला आदमी होगा और दूसरा उनके काम की गुना, ये हमें क्या दे रखा, अभी टाइम डेज। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे उस चीज को समझते हैं। तो आइए ये कितना होगा, 18 गुना 36 बटा 18 प्लस 36। तो 18 गुना 36, देखिए गुना करने की क्योंकि बटे में कुछ शायद कुछ ना कुछ कटेगा। अब 36 में 18 जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, पहले 20 जोड़ लो कितना बनेगा, 56। दो ज्यादा जोड़ दिया वापस माइनस कर दो तो कितना बचा, 54। तो 18 दिया कितना होता है, 54। तो 3 बचा 12 दिया 36। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 36 दिन में ये अपना काम, सॉरी दोनों मिलकर 12 दिनों में अपना काम खत्म करेंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। तो आइए इसी को अब चुटकियों में कैसे करना है वही सीखते हैं, आप इसे नोट कर लेना। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसका शॉर्टकट बहुत बढ़िया मेथड है, आप देखते ही आंसर बता दोगे। बस एक बार आपका तैयारी तो रखना चाहिए, समझना चाहिए। जब भी रिलेशन बनता हो, जब भी रिलेशन बनता हो, रिलेशन कैसे, ये अपना कितना है 18,
ये कितना है 36। तो 18 का कितने गुना करेंगे कि 36 बने, कितने गुना करेंगे, दो गुना। कितने गुना करेंगे, दो गुना करेंगे तो क्या बनेगा 36। बस यही अपना आंसर है। वो कैसे, जो बड़े वाला नंबर होगा, बड़े वाला नंबर क्या है अभी 36, इसको एक बढ़ाकर डिवाइड करना है। एक इसमें से बढ़ाना, इसमें जितने गुना होगा उसमें से एक जोड़ देना और डिवाइड कर देना बड़े नंबर को। तो दो गुना हो रहा है तो 3 से डिवाइड किया कितना आएगा अपना 12। यही अपना क्या था अभी आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के और, इसी के साथ का क्वेश्चन जो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे एक्स किसी काम को 15 दिनों में करता है, एक्स किसी काम को 15 दिनों में करता है, वाई उस काम को 60 दिनों में करता है, तो एक्स प्लस वाई कितने दिनों में करेंगे, एक्स प्लस वाई कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने बोला जब रिलेशन बनता हो तो हम शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे, अगर रिलेशन ना बनता हो तो पुराना मेथड वो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन बन रहा है भी, 15 का कितने गुना करेंगे 60 होगा, 15 का करेंगे 4 गुना, 15 चौकी 60। तो करना क्या है, बड़े नंबर को एक बढ़ाकर डिवाइड करना है, मतलब 4 गुना हो रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे हम 5 से, 4 गुना हो रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 12 5 क्या होता है 60, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे अभी 12 दिनों में। यही अपना क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए हम कितनी जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और टेंशन फ्री होके, कोई भी मैथ का टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट का टेंशन फ्री होकर तैयारी करनी है, नौकरी जरूर मिलेगी, बस आप अपनी मेहनत जारी रखें। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये तो थे 2 2%, अब 3 वाला लेते हैं, 3% हो तो कैसे करना है। हाँ जी, जब 3% हो, एक्स किसी काम को 9 दिनों में करता है, वाई उस काम को 18 दिनों में करता है और जेड उस काम को 12 दिनों में करता है। अब जो हमने फॉर्मूला लगाया था ना, ए गुना बी ए प्लस डी, वो इधर यूज नहीं होगा, क्योंकि देखो यूज करने को कर सकते हैं लेकिन लेंथ ही होगा, हम इधर वो वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आइए इसे सीखते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चेक करना है कि कहीं ना कहीं रिलेशन बन रहा है। तो आइए देखते हैं, एक बार जेड को छोड़ दो, इन दोनों का देखते हैं। 9 का कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है अभी। 9 का कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो बड़े नंबर को एक बढ़ाकर, 2 गुना से एक बढ़ाया 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। तो हमने क्या निकाल लिया, एक्स प्लस वाई कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। और अगर साथ में जेड भी काम पर आ जाए, जेड अकेला कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। तो वही चीज इनके बीच भी क्या चेक कर लेते हैं, रिलेशन 6 का कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। तो बड़े नंबर को एक बढ़ाकर, 2 से 1 बढ़ाया, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12। तो 4 दिनों में करेंगे कौन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, 4 दिनों में। देखिए बढ़िया ट्रिक है, आप इसको अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लें, लेकिन जब रिलेशन बनता हो, जब रिलेशन बनता हो, कई बार क्या होता है 1.5 गुना होता है, 2.5 गुना होता है, 3.5 गुना होता है, तो क्या तब पॉइंट में जाएगा। उससे पहले हम दूसरे मेथड से कर लेंगे। जब रिलेशन बनता हो तो अपना ये बेस्ट मेथड है, इसे आप अच्छे तरीके से रखें। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उस काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 12 दिनों में करता है और सी उस काम को 15 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम मेथड सीखने जा रहे हैं, बढ़िया से आपने सीखना है। तो सुने, अब सबसे पहले मैंने बोला क्या चेक करेंगे, रिलेशन।
तो 10 का दुगना तिगना कुछ नहीं हो रहा, 12 का भी नहीं हो रहा, इनके बीच रिलेशन नहीं बन रहा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो एक बार कोई नोट ना करे, पहले इसको समझ लेंगे, बाद में आप अच्छे से नोट कर लेना। तो आइए समझते हैं। जैसे ये हमें क्या दिया हुआ, अभी डेज मतलब ये इनका क्या दिया हुआ है, ये इनका क्या दिया हुआ है, टाइम। हमने क्या निकालना है, अगर ए अकेला 10 दिनों में काम करता है, मान लो कोई है जैसे खिलौने बनाने हैं, ए अकेला 10 दिनों में खिलौने बनाता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, ये भी तो हम फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड क्या करेंगे, एक दिन का काम हम क्या फाइंड करेंगे, एक दिन का काम कि एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना कर रहा है, सी एक दिन में कितना कर रहा है, और वो कैसे फाइंड करना है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो काम मानना पड़ेगा। तो हम ऐसा काम मानेंगे, ध्यान से सुनना, हम वो काम मानेंगे जो तीनों कर सकते हैं। तीनों कर सकते हैं मतलब ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो तीनों से डिवाइड होगा वो क्या होता है, एलसीएम। तो हम इधर क्या निकालेंगे, वर्क। हमने क्या किया, लेट वर्क कुछ काम मान लिया, तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब 10 12 15 एलसीएम वाला टॉपिक हम कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट का एलसीएम में अच्छी पकड़ नहीं है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो के, वो वहां से जाकर उसको भी कवर करें। तो एलसीएम कैसे निकालना है, 10 12 15, तो ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने जैसे सोचा 15 15 ना, तो 10 से 15 को दुगना किया 30, 30 15 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, लेकिन 12 से नहीं हो रहा, 30 को दुगना किया 60, 60 12 के भी टेबल में आता है, 15 के भी आता है और 10 के भी। तो हमने कुछ काम माना, काम क्या माना, 60 क्या बनाने हैं, हमने खिलौने, कितने खिलौने बनाने हैं, 60। देखिए एक बार मेथड समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब मेथड समझ आएगा फिर यू क्वेश्चन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आंसर आया और कितना करेक्ट आंसर आया। तो टोटल हमने काम क्या करना है, 60 खिलौने बनाने हैं। पहले ए की बारी, ए 10 दिनों में 60 खिलौने बनाता है, तो एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा, एक दिन में खिलौने बनाएगा भी 6 टॉयज। वो कैसे, इनको क्या करेंगे, डिवाइड, 60 को 10 से क्या किया, डिवाइड। आप खुद से सोचो, ए 10 दिन काम पर लगा रहा, उसने 60 खिलौने बना डाले, तो एक दिन में उसने कितना काम कवर किया होगा, एक दिन में 6 खिलौने बनाए होंगे। उसी तरीके से बी 12 दिन में 60 बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 12 5 60, तो कितना बनाएगा, 5 खिलौने। सी 15 दिन में 60 बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा, 60 को 15 से डिवाइड किया, 15 चौकी 60, तो कितना बनाएगा, 4 खिलौने। अब एक दिन का काम ये 6 बना रहा है, ये 5 बना रहा है, ये 4, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कवर कर रहे हैं, 6 5 11 11 और 4 कितना हो गया, 15। अब अपने माइंड से सोचो, एक दिन में 15 खिलौने बन रहे हैं, हमने बनाने कितने, 60, तो कितना टाइम लगेगा। तो इन तीनों का इकट्ठा काम निकालना है, टोटल हमने बनाने हैं 60 60 खिलौने, एक दिन में कितने बन रहे हैं, 15, तो कितना टाइम लगेगा, 4 दिन। तो तीनों अगर इकट्ठा काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपना, 4 दिन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने क्या किया, कुछ ना कुछ काम माना, जो इनका क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम क्यों लिया, ऐसा नंबर जो इन सबसे क्या हो जाए, डिवाइड। उसके बाद एक दिन का काम, ये अपना एक दिन का काम है, एक दिन में कितना कितना काम करते हैं, 15 खिलौने बनाते हैं, तो पूरा पूरा काम कितना है, पूरा कितना करना है, 60 खिलौने बनाने हैं, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, भी इन तीनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो आप इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, इसी के साथ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इससे मिलता जुलता। अब क्या है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं,
ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए दोनों मिलकर काम को 30 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर इकट्ठा कितने दिनों में काम करेंगे? तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो इनमें रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन हम दूसरा मेथड लगाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा। देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, टाइम। ये हमें क्या दिया हुआ है, टाइम। यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम मानते हैं। काम क्या होता है इनका, एलसीएम। 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 30। तो 30 खिलौने बनाने हैं, कितने टॉयस बनाने हैं हमने, 30 खिलौने बनाने हैं। यहां पर क्या निकालेंगे, एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो ए और बी, ये किसकी बात कर रहे हैं, ए और बी, बी और सी, सी और ए, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिनों में, सॉरी 10 दिनों में 30 खिलौने बनाते हैं। तो एक दिन में कितने बनाएंगे, 3 खिलौने। बी और सी कितने बनाते हैं, हाँ जी, बी और सी 15 दिनों में 30 बनाते हैं, तो एक दिन में कितने बनाएंगे, 2 खिलौने। सी और ए 30 दिनों में 30 बनाते हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं काम भी, ये एक दिन में 1 खिलौना ही बना रहे हैं। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, एक दिन में 6 खिलौने बन रहे हैं, एक दिन में 6 खिलौने बन रहे हैं। तो टोटल 30 खिलौने बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। तो टोटल 30 खिलौने, एक दिन में 6 बन रहे हैं, 2 दिन में 12, 3 दिन में 18 और फिर 24 और फिर 30, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 5। क्या ये अपना आंसर होगा, क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं ये अपना आंसर नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन में जरूर होगा। वहां पर देखिए ये जो 5 दिन लग रहे हैं ना, ये जो 5 दिन लग रहे हैं, ये किन को लग रहे हैं, ये लग रहे हैं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। मतलब जब 2 बार बी काम पर आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है और 2 बार ए आ रहा है, तो हमने तो इकेले, सॉरी, हाँ जब अकेले अकेले आएंगे तो उसका निकालना है। तो ध्यान से सुने, अब पहले ये दो दो आ रहे थे, मतलब 2 बार ए आ रहा था, 2 ए आ रहे थे, 2 बी आ रहे थे, 2 सी आ रहे थे, तो भी इन्हें कितना दिन टाइम लग रहा था, 5 दिन। अब ये क्या हो गए, एक एक हो गए, अकेले अकेले हो गए, तो अब कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान से सुने, जब भी पावर कम होगी, देखो पहले दो दो आदमी माना काम पर, हम 6 आदमी काम कर रहे हैं, अब 3 कर दिए, तो पहले 5 दिन लग रहे हैं, अब क्या लगेगा भी, अब क्या होगा, अब हमें टाइम लगेगा, 5 से 2 को गुना करेंगे तो कितना लगेगा, 10 दिन अपना आंसर आएगा। इस बात को ध्यान से सुने, पहले ये जो थे दो दो आदमी काम पर आ रहे थे, अब इनकी पावर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अगर पावर कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। पावर आधी हुई, टाइम क्या होगा, दुगना। तो ये अपना इसका राइट आंसर होगा, ना के ये। तो एक बात सुने, ऑप्शन में ये भी होगा, वहां पर ज्यादा शक्तिमान नहीं बनना कि ये मैंने कर दिया, ये भी फिर करा कर देखते हैं, किया तो था लेकिन गलत कैसे हो गया। ठीक है, तो आंसर अपना क्या होगा, 10 दिन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, एक एक छोटी छोटी बातें सारी बातें सीखेंगे। ए अकेला किसी काम को 15 दिनों में करता है, ये तो उसी, चलो कोई बात नहीं, ए अकेला किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में, तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। वैसे तो इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी के साथ का था, लेकिन आइए इसको निकालना कैसे, सोल्व कैसे करना है। देखिए अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं, आगे आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और धीरे धीरे लेवल तक भी जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम ये हमें क्या दिया हुआ अभी, टाइम।
पिछली बार हमने ए प्लस बी और सी का टाइम निकाला था, अब किसका निकालना है? अकेले सी का। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वर्क मतलब इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 6, 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो हमने कितने खिलौने बनाने हैं, 30। यहां पर क्या आता है, एक दिन का काम, ए 15 दिन में 30 बनाता तो एक दिन में कितने बनाएगा, 2 खिलौने बनाएगा। बी 30 दिन में 30 बनाता तो एक दिन में कितने बनाएगा, 1। अब सी का तो हमने निकालना है, ये 6 दिनों में तीनों मिलकर 30 बनाते हैं, 6 दिनों में 30 बनाते हैं तो एक दिन में कितने बनाएंगे, 5 खिलौने। अब ध्यान से सुनना, ए अकेला 2 खिलौने बना रहा है, बी कितने बना रहा है, 1, 2 और 1, 3 खिलौने ए और बी बना रहे हैं, लेकिन बन कितने रहे हैं, 5। तो जो 2 एक्स्ट्रा खिलौने बन रहे हैं वो कौन बना रहा है भाई, वो कौन बना रहा है, सी। तो सी कितने खिलौने बना रहा है भाई, सी कितने खिलौने बना रहा है, 2। कब, एक दिन में, कब 2 बना रहा है, एक दिन में, एक दिन में 2 बना रहा है सी, एक दिन में 2 बना रहा है। तो 30 खिलौने बनाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, तो ये अपना आएगा 30/2, कितना टाइम लगेगा, 15 दिन अपना क्या आएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ध्यान से सुनना, एक दिन का, अब मुझे इतना तो विश्वास हो चुका कि आप एक दिन का काम निकाल लेंगे, आप एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक दिन में 2 बना रहा है, बी बना रहा है 1 खिलौना, लेकिन ओवरऑल टोटल कितने बन रहे हैं, 5। टोटल कितने बन रहे हैं, 5। 1 और 2 और 1, 3 ये बना रहे हैं, लेकिन बन कितने रहे हैं, 5। तो 2 खिलौने जो बन रहे हैं वो कौन बना रहा है, वो सी बना रहा है। तो सी 30 खिलौने, सी ने 30 खिलौने बनाने हैं, एक दिन में 2 बना रहा है, तो कितने दिन लगेंगे उसे, 15 दिनों में काम क्या हो जाएगा, खत्म। तो सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में, ये अपना क्या होगा आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और ऐसा करो ए की जगह पर हम एक्स लिख लेते हैं, एक्स किसी काम को 10 दिन में करता है, वाई उस काम को 15 दिन में करता है, वाई उस काम को 15 दिन में करता है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना भी, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, वाई उस काम को 15 दिनों में करता है, दोनों ने इकट्ठा काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, नहीं पसंद आया होगा अगले को, 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बाकी का काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, तो बाकी का काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, दोनों इकट्ठा काम करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगते हैं। हाँ जी, एक सेकंड, ये हमें क्या दिया होगा, टाइम, हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क, एलसीएम कितना आएगा इनका, 30, एलसीएम कितना आएगा, 30 खिलौने, एक दिन में कितना काम हो रहा है अभी, एक दिन में कितना काम हो रहा है, ये एक्स 10 दिनों में 30 खिलौने बनाता है, तो एक दिन में कितने बनाएगा, 3 खिलौने, ये 15 बना रहा है, 15 दिनों में 30 बना रहा है, एक दिन में कितने बनाएगा, 2। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितने खिलौने बना देते हैं अभी, 5। दोनों मिलकर काम करते हैं, एक दिन में कितने खिलौने बना देते हैं, 5। लेकिन बोला क्या है, 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, भाई काम छोड़ गया ए, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, लेकिन ये देखेंगे 4 दिन तक जब दोनों ने इकट्ठा काम शुरू किया तो कितने खिलौने बन चुके थे, मतलब कितना काम, कितने यूनिट काम खत्म हो चुका था। तो एक दिन में 5 खिलौने बनते हैं, तो 4 दिन में कितने बन गए, 30 में से 20 खिलौने बन चुके थे, तो बाकी कितने बचे, 10 खिलौने क्या बचे बाकी। अब 10 खिलौने बनाने किसने, अभी सॉरी ए आ गया था, एक्स,
एक्स तो काम छोड़कर चला गया, एक्स तो काम छोड़कर चला गया, अब वाई की बारी है। वाई एक दिन में दो बनाता है, एक दिन में दो बनाता है, तो 10 खिलौने बनाने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। तो ये अपना क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो 10 खिलौने बनाने के लिए वाई को कितने दिन लगेंगे? 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लेक्चर के बाद टाइम एंड वर्क में किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें, ये बात भी ध्यान में रखनी है साथ में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? राम किसी काम को 12 दिनों में करता है, राम किसी काम को 12 दिनों में करता है, श्याम उस काम को 18 दिनों में करता है। राम अकेला किसी काम को 12 दिनों में करता है, श्याम अकेला उस काम को 18 दिनों में करता है। अब स्टेटमेंट सुने और नोट करें। 6 दिन, सॉरी, 18 दिनों में करता है, 6 दिन श्याम ने अकेले काम किया, 6 दिन शाम ने अकेले काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, 6 दिन शाम ने अकेले काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, तो बाकी का काम राम को करना पड़ा, तो बाकी का काम राम को करना पड़ा, तो काम खत्म होने में ओवरऑल कितना टाइम लगा? तो काम खत्म होने में ओवरऑल कितना टाइम लगा? तो सबसे पहला अपना काम इनका क्या निकालना है, 1 दिन का वर्क, कि ये 1 दिन में कितना काम करते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ अभी, इनका टाइम वर्क, वर्क मतलब एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम, ऐसा नंबर छोटे से छोटा जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी, तो अपना क्या आएगा, 36। 36 क्या बनाने हैं, टॉयस। देखिए 36 खिलौने बनाने हैं, आप टेबल मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन जो भी करना है वो 36 यूनिट काम हमने करना है, 36। तो यहां पर क्या निकालेंगे, एक दिन का काम, राम 12 दिनों में 36 बनाता है, तो 1 दिन में कितने बनाएगा, 3। ये 18 दिनों में 36 बनाता है, तो 1 दिन में कितने बनाएगा, 2। लेकिन अब दोनों का इकट्ठा काम तो निकालना नहीं, ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला, अब जब काम शुरू हुआ ना, शाम ने, राम ने बोला मैं तो काम नहीं कर रहा, लेकिन शाम ने काम शुरू कर दिया और 6 दिन तक काम किया। उसके बाद शाम ने कहा भाई अपने तो हाथ खड़े हैं, भी तूने करना है कर ले, काम जाए पहाड़ में, मैं तो काम छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान से रखना। तो शाम 1 दिन में 2 खिलौने बनाता है, तो 6 दिन में कितने बनाएगा, 12 खिलौने। 6 दिन में कितने बनाएगा, 12 खिलौने। 36 में से 12 खिलौने बन चुके हैं, 36 में से 12 यूनिट काम हो चुका है, तो बाकी कितना बचा, तो बाकी कितना बचा, 36 में से 12 माइनस किया तो बाकी कितना बचा, 24 खिलौने बनाने बाकी हैं। तो 24, ये तो अब काम छोड़कर क्या हो गया, गया अभी गायब हो गया, ये काम छोड़कर जा चुका है, तो बाकी के खिलौने किसने बनाने हैं, राम ने। अब आई किसकी बारी, राम की। उसने बोला आजा बेटा, अब तुझे बताता हूँ कैसे काम होता है। तो इसने, ये 1 दिन में 3 बनाता है, तो 24 खिलौने बनाने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा, 8 दिन। लेकिन ऑप्शन में 12, ऑप्शन में 6 भी होगा, 8 भी होगा, पूछा क्या है, पूछा क्या है, टोटल टाइम। तो काम खत्म होने में 36 खिलौने बनाने में टोटल टाइम कितना लगा, भी सोचो अपने दिमाग से। हाँ जी, आंसर सोच लिया सभी ने, देखो 6 दिन शाम को लगे, 8 दिन राम को लगे, तो टोटल टोटल टाइम कितना लगा, 6 प्लस 8 मतलब 14 दिन अपना क्या लगा, काम खत्म होने में टोटल समय लगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना भी। बार बार बोल रहा हूं भी, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि हर एक जरूरतमंद तक ये लेक्चर पहुंच जाए। और वो भी देखो, कई बार होता है ना, कुछ स्टूडेंट शेयर नहीं करते भी, अपना कहीं कंपटीशन हाई ना हो जाए। देखो जो आपके साथ वाले होते हैं उनके साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन जब एग्जाम होता है तो वहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहा करो। देखिए हेल्प करने से किसी का कुछ नहीं जाता,
मतलब खुद का लेवल भी बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स किसी काम का 1/3 हिस्सा 8 दिनों में करता है। एक्स किसी काम का 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 पार्ट 8 दिनों में करता है। वाई उस काम का 3/4 हिस्सा 9 दिनों में करता है। वाई उस काम का 3/4 हिस्सा 9 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो दोनों मिलकर अपना फॉर्मूला क्या होता है, a+b। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना 8 × 9/8 + 9। क्यों नहीं करना, उस बात को समझो। जब हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमें दिया था x किसी काम को इतने दिनों में करता है, y उसी काम को इतने दिनों में करता है। लेकिन अब क्या है, अब उस काम का कुछ हिस्सा बोला गया है, मतलब ये कुछ हिस्सा 8 दिनों में कर रहा है, ये कुछ हिस्सा मतलब 3/4 हिस्सा जो 75% होता है ये 9 दिनों में कर रहा है। ये कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ओरिजिनल वर्क, मतलब के अगर ये 1/3 हिस्सा 8 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, उस बात को समझे। तो कैसे करते हैं, पूरा काम 8, ये 3 इधर डिवाइड में इधर आकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आया 24 दिन। ऐसे ठीक है, अभी मैसेज वाली लैंग्वेज, ये कितने दिनों में करेगा 24 दिन में। अब इसकी बारी, ये 3/4 हिस्सा 9 दिनों में करता है तो पूरा काम इधर 3/4 है, इधर आकर क्या होगा 4/3, 3 × 9 तो कितना आ गया 12 दिन। तो ये अपना भी क्या है, ओरिजिनल वर्क का टाइम, मतलब पूरा काम करने का समय क्या है, ये 24 दिनों में कर रहा है, ये 12 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो क्या ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, जीनियस बच्चे, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। अब आप इन चीजों को पकड़ना शुरू कर चुके हो, सीखना शुरू कर चुके हो। तो 24 12 का कितने गुना, 2 गुना। तो बड़े वाले को किससे डिवाइड करेंगे, 1 बढ़ाकर, तो 8 अपना क्या आएगा आंसर, 1 बढ़ाना किससे है, ये 2 गुना हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे बड़े वाले को, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 8 दिनों में। आई होप ये क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो गया होगा, आगे से आप ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के साथ का मिलता जुलता है, स्टेटमेंट आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप स्टेटमेंट नोट करें और जितना भी टाइम लगे एक बार खुद से जरूर क्वेश्चन को करें। स्टेटमेंट क्या है, पी किसी काम के 2/5 हिस्से को 12 दिनों में करता है। पी किसी काम के 2/5 पार्ट को 12 दिन में करता है। क्यों उस काम के 1/4 हिस्से को 5 दिन में करता है। तो बताना क्या, ये भी सुन लो, करना ज्यादा ठीक है, ये भी सुनो, बताना क्या, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, ध्यान से सुनना। तो दोनों मिलकर, ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, ये पूछा कि दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे। आप एक बार अपने आप से करो, हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2/5 हिस्सा है तो पूरा काम करने के लिए कितना लगेगा, 12 × 5/2, तो ये कितना आ गया, पूरा काम करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 30। ये 5 हिस्सा, 4 इधर डिवाइड में, 4 मल्टीप्लाई में हो गया, तो कितने दिन लग रहे हैं, 20। तो अब इन दोनों के बीच रिलेशन बन गया, देखो ये 30 है ये 20 है, बन तो रहा है ये 2.5 गुना हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा फायदा नहीं होगा। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a × b a + b। 30 × 20 + 30 + 20 कितना होता है, 50। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 60 इधर ही हो जाएगा 6×5=30, तो 6×2=12। अब ये अपना आंसर नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखें, ये अपना आंसर नहीं होगा लेकिन ऑप्शन में जरूर होगा।
आंसर उन्होंने पूछा एक दिन में। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं? 12 दिनों में। तो एक दिन में कितना करेंगे, इस कंसेप्ट को समझे। ये भी बेस्ट अपने आप में बढ़िया कंसेप्ट है। एक दिन का जब काम निकालना हो तो क्या करते हैं, 1/12। एक दिन में कितना काम करेंगे, देखिए ये वर्क पूछा ना कि टाइम पूछा, ये टाइम है ये काम है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12। इस चीज को भी समझ लेते हैं, जैसे हमें बोले एक किसी काम को 6 दिन में करता है, एक किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/6। एक दिन में कितना करेगा, 1/6। मतलब इसको क्या कर देना, फ्रैक्शन को उल्टा कर देना। एक और समझे, बी किसी काम को 3/4 दिन में करता है, बी किसी काम को 3/4 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 4/3 काम एक दिन में कर देगा। मतलब टाइम और वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट होते हैं। ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में भी करने वाले हैं, रेशियो वाला कंसेप्ट। तो जो आज हमने जितना किया, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये हमारी बेनती है, ताकि हर एक तक ये लेक्चर पहुंच जाए और बढ़िया से रेक का ये टॉपिक कवर हो जाए। और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद।